नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि फर्जी शिक्षक भर्ती गैंग का भंडाफोड़ हो गया है। 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह 3 लोग हैं जो एसटीएफ के निशाने पर थे और यह गिरफ्तार हो गए हैं। एसटीएफ की गिरफ्त में आरोपी आनंद, पुष्पेंद्र और रामनाथ, यही 3 आरोपी हैं और यह इन लोग का भंडाफोड़ हुआ है। शिक्षक भर्ती गैंग में यह भी लोग शामिल थे और जो भी सालवर का गैंग था, जो भी अनियमितताएं बरती गई उन सबका जो गैंग था, यह लोग शामिल थे। और यहाँ पर देख सकते हैं फर्जी शिक्षक भर्ती गैंग का भंडाफोड़ हुआ है, 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो यहाँ पूरी की पूरी खबर हम लोग पढ़ लेते हैं। एसटीएफ ने अनामिका शुक्ला प्रकरण में, जो अनामिका शुक्ला प्रकरण था, आमतौर पर कोई शायद प्रीति जाटो थी और वह अनामिका शुक्ला के जो डॉक्यूमेंट थे उस पर वह सर्विस कर रही थी। तो यहाँ पर देखिए, एसटीएफ ने अनामिका शुक्ला प्रकरण में फर्जी दस्तावेजों से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नौकरी दिलाने वाले गिरोह के, मतलब सबसे बड़ा तो यही है कि जो अनामिका शुक्ला के डॉक्यूमेंट से जो नौकरी कर रही थी, शायद प्रीति या प्रिया जाटव, ऐसा ऐसा करके नाम था, मुझे भूल रहा है, तो वह थी और वह कई विद्यालयों में वह नौकरी कर रही थी। जो डॉक्यूमेंट यूज किए गए थे अनामिका शुक्ला के थे, तो उसमें जो गिरोह शामिल था, साथ यह 3 लोग उसी गिरोह के मेंबर हैं। तो यहाँ पर आप लोग खुद देख लीजिए कि पुष्पेंद्र भी फर्जी दस्तावेजों पर फरुखाबाद में सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहा था, जबकि आनंद जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला समन्वयक था। एक अध्यापक हैं पुष्पेंद्र और यह जो आनंद है वह जौनपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला समन्वयक है। रामनाथ हरदोई में बेसिक शिक्षा कार्यालय में प्रधान लिपिक पद पर तैनात हैं। कोई क्लर्क हैं, कोई समन्वयक हैं और एक जो है अध्यापक हैं। तो यह सारा का सारा प्रकरण है और यह लोग संलग्न थे इस तरह की अनियमितता बरतने में। तो यह देखिए, सबने काम बांट रखा था। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बात है, पुष्पेंद्र हैं, पुष्पेंद्र, आनंद और रामनाथ, यह 3 लोग हैं जो अनामिका शुक्ला प्रकरण पर गिरफ्तार हुए हैं। तो अभ्यर्थियों को जाल में फंसाता था, फिर उनके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाता था, साथ ही शिक्षा विभाग में साठगांठ कर कोई दिक्कत नहीं आने देता था। तो यह पुष्पेंद्र का काम था। आनंद का काम यह था कि बीएससी कार्यालय में समन्वयक थे। और रामनाथ, देखिए रामनाथ ही अभ्यर्थियों को पुष्पेंद्र तक पहुँचाता था, उन्हें किस जिले में नियुक्ति दिलाया जाए इसके लिए वह दस्तावेज तैयार करता था। तो देखिए, यह 3 लोग हैं जो गिरफ्तार हुए हैं। तो यह सारे अनियमितताएँ बरती गई हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल से जुड़ जाएगा। सेकेंड काउंसिलिंग का वेट करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो सेकंड काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, वह हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सेकंड काउंसलिंग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। सेकंड काउंसलिंग टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी सेकंड काउंसलिंग वाले मेंबर हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग।